हाय एवरीवन, मैं विकास आप सभी को अपने किचन में स्वागत करता हूँ। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है टमाटर का पकौड़े, टमाटर और आलू का पकौड़ा, इसको टमाटर चाप भी बोलते हैं। देखिए, हमने जो सामग्री ले रखे हैं टमाटर के पकौड़े बनाने के लिए, 5 पीस टमाटर ले रखा है, थोड़ा सा प्याज कट कर रखा है, थोड़ा सा धनिया ले रखा है, आलू को बॉयल कर लिया है, लगभग 4 से 5 पीस आलू है, और ये आपका गरम मसाला है पाउडर, हल्दी पाउडर है, और जीरा गोल मिर्च को कूट करके बारीक बना लिया मसाला, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और थोड़ा सा लाल मिर्च ले रखा है, और ये पंचफोरन ले रखा है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कैसे बनता है बेहतरीन और एकदम टेस्टी टमाटर के पकौड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने कढ़ाई गैस पर रख रखी है और कढ़ाई बिल्कुल हीट हो चुका है। थोड़ा सा इसमें सरसों ऑयल डालते हैं ताकि जो हमने आलू बॉयल कर रखे थे उसको हम इसमें से अच्छे तरीके से भून के निकाल सकें। टमाटर का पकौड़ा बनाना बिल्कुल आसान है और इतना लजीज लगता है खाने में, आप एक बार ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। देखिए, ऑयल हीट हो चुका है, इसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मिर्च डालेंगे। देखिए, मिर्च हमारा पक चुका है, अब इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, लगभग 30 सेकंड तक इसको भून देंगे, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा, उसके बाद इसमें आलू डालेंगे। देखिए, प्याज हमारा हल्का पक चुका है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डालेंगे, लगभग 20 से 25 सेकंड तक इसको चलाएंगे। अब वन बाय वन करके मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले डाल रहे हैं जो जीरा और गोल मिर्च का जो हमने पाउडर बना रखा था कूट के बारीक, वो डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून आपका हल्दी डाल रहे हैं। देखिए, लगभग आधे चम्मच के आसपास हम नमक इसमें डाल रहे हैं। इसको थोड़ा देर मिलाएंगे और उसके बाद हमने जो आलू बॉयल कर रखा था, चोखा बना रखा है आलू का, उसको डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे, मसाले के साथ मिक्स करेंगे। देखिए, हमारा जो आलू था बिल्कुल भूज के तैयार है, ज़्यादा नहीं भूजना है इसको, हल्का सा जो मसाला भूज रखा था उसमें डाल के हमने लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास भूंजा इसको। अब इसको बाहर निकालते हैं। देखिए, हमारा दूसरा स्टेप है, थोड़े से हमने लगभग 1 कप के आसपास बेसन ले रखे हैं, आधे कप के आसपास चावल का आटा ले रखे हैं। चावल का आटा इसलिए डालेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा, कुरकुरा बनेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला हम डालेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं, 1/4 टेबल स्पून, उतना ही जितना गरम मसाला डाला था उतना धनिया हल्दी डाल रहे हैं, और उतना ही लगभग आपका जीरा और कुल मिर्च का पाउडर जो हमने तैयार कर रखा था वो डाला है, और उसका आधा जो हम लाल मिर्च का यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी कटी हुई धनिया का पत्ता डाल रहे हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, और लगभग आधा चम्मच के आसपास इसमें नमक डाल रहे हैं। अब इस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बिल्कुल गाढ़ी घोल तैयार करनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए, हमारा जो पेस्ट है बेसन का घोल है बिल्कुल तैयार है। हमने बिल्कुल गाढ़ा इसलिए रखा है कि ताकि टमाटर पे हम जब कोटिंग करें इसका तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा, अगर पतला कर देंगे आप तो कोटिंग नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, उसमें हम टमाटर का जो ऊपर का हिस्सा है उसको कट करेंगे चाकू से, और इसमें जितने भी इसके अंदर जो जैसे टमाटर का बीज है और इसका जूस है उसको निकालेंगे, चम्मच की सहायता से निकालिए या चाकू की सहायता से निकालिए। आप देख पा रहे हैं हम चाकू की सहायता से निकाल रहे हैं, इसको बिल्कुल निकाल लेंगे, टमाटर को जो अंदर का मटेरियल उसको बाहर निकाल लेंगे ताकि ये खाली हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं अंदर का जो मटेरियल है बिल्कुल हमने कटोरी में अलग निकाल दिया, ये बिल्कुल खाली हो गया, इसको यहाँ रख लेते हैं। ऐसे ही करके 1 by 1 सारे टमाटर को हम ऐसा कट करके इसका मटेरियल निकाल लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने सारे टमाटर का बिल्कुल तैयार कर रखा है, हमने कढ़ाई भी चढ़ा रखी है, जब तक कढ़ाई गर्म होता है तब तक इसको रेडी करते हैं इसका फिलिंग मटेरियल भर करके। देख पा रहे हैं जो हमने आलू फ्राई किया था उसको फिल कर रहे हैं अच्छे तरीके से, छोटे चम्मच से भरें, अब पूरा अच्छे तरीके से भर दें। देखिए, एक रेडी हो गया, ऐसे करके सारे हम 1 by 1 भर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब फाइनल स्टेज आता है
कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें सरसों ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो कीजिए, नहीं तो आप रिफाइन ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, स्वाद बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए तेल हमारा बिल्कुल हीट हो चुका है, अब कंटिन्यू करते हैं। जो भी हमने टमाटर के जो पीसेस रेडी कर रखे हैं तो उसको बेसन में अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे और तेल में वन बाई वन डालते जाएंगे। आप देख रहे हैं कैसे कोटिंग कर रहे हैं हम, अच्छे तरीके से बेसन चढ़ जाए चारों तरफ से। अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा हाथ में लेकर डाल दीजिएगा बेसन उसके ऊपर, उसको वन बाई वन तेल में डालेंगे। ऐसे करके सब सारे को वन बाई वन डालते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो कोटिंग हुआ है टमाटर के ऊपर बेसन का, बिल्कुल अच्छा हुआ है क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल बराबर लगा हुआ है बेसन। थोड़ा देर वेट करते हैं और इसको पलट के अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। एक साइड का सीख चुका है हल्का सा, दूसरे साइड का पकाते हैं। देखिए मैं क्या हल्का सा छोटा सा कोई चम्मच का यूज़ करें, उसे आसानी से पलटने में आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा और आसानी से ये पलट जाएगा। चलिए दूसरी साइड भी पका लेते हैं। देखिए हमारे टमाटर के जो पकौड़े हैं बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हैं। अब इसको बाहर निकालते हैं ऑयल से। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में, जितना सुंदर देखने में है खाने में बिल्कुल मज़ा आएगा उतना ही, और बिल्कुल आसान है। आपने देखा होगा हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया और कितना जल्दी हमने बना लिया। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक वेट करते हैं, थोड़ा सा ठंडा होगा फिर हम इसका टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।